नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मल बुद्धा टीवी बुद्धा पर्यटन कार्य से। तो आज हम इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि किसी भी एक जीवन की कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, मतलब कि कोई भी एक जीव है वह कौन कौन सी क्रिया करता है और किसके किसके माध्यम से करता है। इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपसे क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ये वीडियो पे हम इस चीज़ को विस्तृत रूप से आपसे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर जीव है तो उसमें मैं और शरीर, इन दोनों का क्या होता है, आपका सह अस्तित्व होता है, यानी कि दोनों अपना क्या करते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी क्रियाएँ आपका साथ साथ ही हों। जो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि मैं क्या होता है, अकेले करता है, और कुछ क्रियाएं ये होती हैं कि जो आपका शरीर होता है वह अकेले करता है, और उसमें से और भी कुछ क्रियाएं होती हैं जो कि क्या होता है, जिसमें हमारा मैं और हमारा जो शरीर होता है वह क्या करते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं। अर्थात हम कोई भी जीव है उसकी क्रियाओं को क्या कर सकते हैं, अगर तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन भागों में मुख्य रूप में बांटा जा सकता है। पहला भाग कौन हो जाएगा, केवल मैं द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं, केवल मैं द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं। दूसरा क्या हो जाएगा, केवल शरीर द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं। और तीसरा क्या हो जाएगा, मैं और शरीर, इन दोनों द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं। तो क्या हो जाएगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मैं होता है वह शरीर के साथ ही मिलकर काम करे, या कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा शरीर है वह हमेशा मैं के साथ मिलकर काम करे। दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं और दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं। अर्थात किसी भी एक जीव की जो क्रियाएं हैं वह आपके क्या हो जाएंगी, तीन रूप में हो सकती हैं। वो तीन रूप कौन कौन से हो सकते हैं, पहला रूप हो जाएगा केवल मैं द्वारा किए जाने वाली क्रियाएं, एक हो जाएगा केवल आपका शरीर द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, और तीसरा क्या हो जाएगा, शरीर और मैं दोनों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। तो ये तीनों जो क्रियाएं होंगी वह किसी भी एक आपके जीवन की इकाई की क्या हो जाएंगी, संपूर्ण क्रियाएं हो जाएंगी। तो अब ये बात करते हैं कि मैं द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जाती हैं, या बहुत से ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसमें कि हमारा शरीर क्या होता है, शामिल नहीं होता है। ये क्रियाएं मानसिक पटल पर मैं द्वारा की जाती हैं। इन क्रियाओं में हमारे शरीर का क्या होता है, कोई भी योगदान नहीं होता है। और इन क्रियाओं में ये मैं द्वारा कई क्रियाएं की जाती हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख क्रियाएं आपका क्या है, सोच। सबसे पहला काम तो ये है सोचना, सोचने वाला जो कार्य होता है वह टोटली क्या होता है, मैं द्वारा किया जाता है। फिर दूसरा कार्य क्या हो गया, सपना देखना। तो सपने देखने का भी कार्य हमारा शरीर नहीं करता है, वह क्या करता है, सपने देखने का भी कार्य हमारा शरीर नहीं करता है, वह क्या करता है, वो मैं करता है, या अर्थात मस्तिष्क करता है। तीसरा कल्पना करना, तो जो कल्पना करने का भी कार्य है वह भी हमारा केवल मैं ही करता है, उसमें हमारे शरीर का क्या होता है, कोई भी योगदान नहीं होता है। और हमारा नेक्स्ट कार्य क्या होता है, विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ का क्या होता है, विश्लेषण करना। तो जो विश्लेषण करने वाला जो कार्य होता है वह भी हमारा क्या होता है, वह हमारा मैं ही करता है, वो उसमें भी शरीर का हमारे कोई योगदान नहीं होता है। उसी तरह जो समझने का कार्य होता है वो भी हमारा मैं ही करता है, इसमें भी हमारे शरीर का क्या होता है, कोई भी आपका योगदान नहीं होता है। और नेक्स्ट होता है इच्छा करना, तो इच्छा करने का भी जो कार्य होता है, यानी मन में जो भी हमारी अच्छी बुरी कोई भी इच्छाएं होती हैं, चाहे लालच उत्पन्न होता है, वह सारा का सारा कार्य हमारा क्या करता है, वह सारा का सारा कार्य हमारा मैं ही करता है। तो यानी कि
जो मानव क्रियाएं होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, तीन रूप में बांट सकते हैं। सबसे पहला केवल मैं द्वारा होने वाली क्रियाएं, दूसरा हो जाएगा मैं और शरीर द्वारा होने वाली क्रियाएं, तीसरा हो जाएगा केवल शरीर द्वारा होने वाली क्रियाएं। शरीर द्वारा क्रियाएं, तो मैं द्वारा होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, तो इन क्रियाओं में क्या होता है, शरीर एक साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, शरीर एक साधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, केवल हमारा जो मस्तिष्क होता है यानी जो मैं होता है, केवल वो क्या करता है, वही कार्य करता है। केवल इंडिविजुअली हमारा जो मैं होता है केवल वह कार्य करता है, हमारा जो शरीर होता है वो उसमें क्या होता है, बिल्कुल भी आपका क्या होता है, भाग नहीं लेता है। उदाहरण के लिए जो सोचने वाला कार्य होता है वह केवल क्या होता है, मैं करता है। फिर उसी तरह अनुमान लगाने वाला जो कार्य होता है वो भी सिर्फ मैं ही करता है, और विश्लेषण करने वाला, इच्छा करने वाला जो कार्य होता है वह क्या होता है, केवल हमारा क्या करता है, मैं ही करता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। और उसमें हमारे जो शरीर होता है अर्थात जो बॉडी होता है उसका किसी प्रकार का कोई भी यूटिलाइजेशन या कोई भी आपका यूज नहीं होता, यह केवल आपका क्या होता है, आपका जो मैं होता है वही केवल आपका कार्य क्या होता है, करता है। और जो हमारा ये होता है शरीर होता है वह उसका कोई भी आपका यूज नहीं होता। यह सारे कार्य होते हैं जैसे कि सोचना हो गया, सपने देखना हो गया, कल्पना करना हो गया, यह सारे के सारे कार्य केवल जो हमारा मैं अथवा मस्तिष्क होता है वह क्या करता है, अकेले करता है। अब दूसरी बात करते हैं, मैं और शरीर दोनों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, मैं और शरीर दोनों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, तो इन क्रियाओं में जो मैं को जो होता है यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है वह हमारे क्या होता है, शरीर को क्या करता है, निर्देश देता है और उस प्रकार से हमारी जो क्रियाएं होती हैं वह करती है। तो मतलब कि इन क्रियाओं में जो होता है वह हमारा क्या होता है, इन क्रियाओं में जो हमारा शरीर और मैं दोनों क्या होते हैं, इनका दोनों का अपना क्या होता है, सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों अपना साथ साथ क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण की बात किया जाए तो जो देखने वाला कार्य होता है वह हमारा मैं और हमारी आंखें यानी हमारा शरीर दोनों करता है। बातचीत करना वो भी इसमें देखने, क्या देखना है यह निर्णय हमारा ये लेता है, मन लेता है, और जो कार्य जो किया जाता है देखने का जो कार्य किया जाता है वह हमारा क्या करता है, शरीर करता है यानी हमारा जो कोई भी अंग करता है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें केवल हमारा शरीर भाग लेता है, जैसे कि कुछ क्रियाएं होती हैं, मतलब इन क्रियाओं में हमारा केवल का केवल जो होता है शरीर सक्रिय रूप से भाग लेता है, इसमें जो मैं होता है वह आपका भाग नहीं लेता है। ये क्रियाएं होती हैं आपकी श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, हृदय गति और रक्त संचार। मतलब कि शरीर से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि सांस लेना, इसमें भी आपका कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई भी आपका ये होता है ये भी आपका इसमें सिर्फ शरीर की क्रिया है। उसी तरह पाचन की क्रिया भी, मतलब भोजन को पचाने की क्रिया, उसी तरह कोई चीज़ भी हम उत्सर्जित कर रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं ये भी क्रिया, और संचार हो गया, हृदय गति हो गई, ये सारी क्रियाएं क्या होता है हमारा केवल का केवल शरीर करता है, शरीर का शरीर करता है। अब हम विस्तृत रूप में यह डिस्कस करते हैं या विस्तृत रूप में यह हम देखते हैं कि मैं द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है वह कौन कौन सी क्रियाएं क्या होता है करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मैं द्वारा जो सबसे पहले क्रिया किया जाता है वह सबसे पहला काम है वह है हमारा सोचना। तो यानी जो सोचने का कार्य होता है वह टोटली रूप से यानी हर एक रूप से सोचने वाला कार्य क्या होता है वह मैं ही करता है अर्थात मस्तिष्क ही करता है। इसमें हमारे इसका शरीर का कोई भी आपका योगदान नहीं होता है।
हमारे शरीर का क्या होता है, कोई भी योगदान नहीं होता है। तो सोचने वाला जो कार्य होता है वह टोटल हमारा क्या कौन करता है, सोचने वाला जो कार्य होता है वह टोटल हमारा यही करता है, सोचने वाला जो कार्य होता है वह टोटल हमारा क्या करता है, ये मैं ही द्वारा किया जाता है। तो जो सोचना होता है यह आपकी मनुष्य की बहुत ही एक सामान्य गतिविधि है, और हम ज़्यादातर समय क्या होते हैं, सोचते ही रहते हैं, और हम उस समय भी सोचते रहते हैं जब हमारा शरीर किसी अन्य गतिविधि में शामिल होता है, तभी भी हम क्या होते हैं, सोचते रहते हैं। तो जो सोचने वाला कार्य होता है वह पूर्ण रूप से क्या होता है, हमारे मय का होता है, न कि शरीर का। जैसे कि अगर एक उदाहरण लिया जाए कि जैसे कि कोई एक मान लीजिए एक लड़का है, कोई भी एक लड़का है, जैसे प्रतीक नाम का ही मान लीजिए कोई एक लड़का है, वह आपका क्या है, अपने मित्रों के साथ सभी के साथ क्या है, ग्रुप डिस्कशन कर रहा है या ग्रुप स्टडी कर रहा है, लेकिन क्या है वह पूर्ण रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके जो दिमाग है उसमें वह यह सोच रहा है कि कल हम लोग घूमने जाएंगे या कल हम लोग पिकनिक जाएंगे। तो वो शरीर तो हमारा भौतिक रूप से क्या है, उस पढ़ाई वाले स्थल पर मौजूद है, उस पढ़ाई वाले स्थल पर क्या है, मौजूद है, लेकिन हम क्या होता है कि लेकिन सोच क्या रहा है, वह कल पिकनिक जाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए उसका पूरा का पूरा ध्यान क्या होता है, पढ़ाई पर नहीं होता है। उसी तरह कई बार लोग क्या होता है, वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते समय भी कुछ देर के लिए अगर कोई व्यक्ति कोई दूसरे बारे में सोचने लगता है, तो जो वाहन चलाने का कार्य तो हमारा शरीर कर रहा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या होता है, सोचता है, कोई दूसरी चीज़ सोचता है। या कभी कभी क्लास में ही आपका क्या होता है, क्लास टीचर कोई पढ़ा रहा है, और कभी कभी बच्चे क्या होते हैं किसी दूसरे चीज़ के बारे में भी सोचने लगते हैं, तो फिर टीचर क्या होता है, उनका ध्यान अपने पढ़ाई के प्रति क्या करता है, आकर्षित करता है। तो मतलब कि स्थूल रूप में यानी भौतिक रूप में आपका क्या है, वहाँ पे तो मौजूद रहते हैं या मौजूद रहते हैं, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में यानी कुछ सोचते कुछ अलग है। उसी तरह मान लीजिए कोई आपका व्यक्ति है, वो दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा है, चाहे किसी रेस्टोरेंट में, मान लीजिए रेस्टोरेंट में बैठा है, वहाँ पर पूरा वह हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन उस हंसी मजाक पर वह व्यक्ति क्या होता है कि कोई भी क्या होता है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। तो वह क्यों नहीं प्रतिक्रिया कर रहा है, क्योंकि क्या है कि वह क्या हो रहा है कि आप उसके साथ जो पिछले कुछ दिनों से पहले कोई अप्रिय घटना घटी थी उसके बारे में सोच रहा है, और जिसके बारे में वह किसी से साझा भी नहीं कर पाया। मतलब कि वो बैठा तो आपका भौतिक रूप से रेस्टोरेंट में है, लेकिन वह सोच क्या रहा है, वह सोच रहा है अपने साथ हुई अप्रिय घटना के बारे में। तो मतलब कि उसका शरीर तो अगर कहा जाए तो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसका मन क्या है, कहीं और लगा हुआ है। मतलब कि क्या है कि वह बैठा तो कहीं और जगह है, लेकिन सोच किसी और के बारे में रहा है। तो सोचने का जो कार्य है वह टोटली हमारे किसका होता है, दिमाग का होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मैं होता है वह स्वयं सोचने का कार्य करता है, और उसमें हमारे शरीर की आवश्यकता कहीं भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठा था, अगर शरीर की भी आवश्यकता पड़ती सोचने के लिए तो वो पूर्ण रूप से रेस्टोरेंट में ही रहता, लेकिन वो रेस्टोरेंट में रहते हुए भी क्या है, सोच किसी और के बारे में रहा। अर्थात कि यह घटना सिद्ध करती है कि सोचने के लिए हमें क्या होता है, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम कहीं भी बैठे बैठे भी सोच सकते हैं, बैठे बैठे भी सोच सकते हैं। अगर हम कहीं स्नान कर रहे हैं तो स्नान करने वाला कार्य हमारा शरीर करता है, लेकिन तभी भी हम सोचते रहते हैं या सोच सकते हैं। कभी कभी हम खाना खाते समय भी क्या होता है कि कुछ और सोचते हैं, कभी कभी हम किसी व्यक्ति से बात भी करते हैं तभी भी उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान न होकर हमारा जो सोचने का जो होता है वो कभी कभी दूसरे तरफ चला जाता है, तो हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। इस प्रकार की यह जो सोचने की क्रिया है इसमें क्या होता है कि आपका शरीर कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता, यह टोटली हमारे क्या होता है, मन मस्तिष्क का यानी मैं का कार्य होता है।
उसी तरह अगर हम दूसरी एक बात करें तो उसमें होता है आपका क्या होता है, सपने देखना। तो जो सपने देखने वाला कार्य होता है यह भी पूर्ति हमारा क्या होता है, मस्तिष्क द्वारा ही किया जाता है। और जो सपना जो होता है यह एक बहुत ही सामान्य गतिविधि है जिसे हम नींद के दौरान या जागने के दौरान कभी भी देख सकते हैं। और जो हमारा शरीर होता है वह सपना देखने के कार्य में कहीं भी क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होता है। सपने जो होते हैं वह हमारे मानसिक स्तर पर होने वाली क्रिया है, मतलब जो सपना देखना होता है वह हमारे मानसिक स्तर पर होने वाली क्रिया है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी एक लड़की है वह टीवी के सामने बैठी है और टीवी पर क्या हो रहा है, कोई एक सैड सॉन्ग से चल रहा है या दुखद गीत चल रहा है, लेकिन क्या है कि वह मुस्कुरा रही है। तो इसका मतलब कि देख उसकी आंखें तो देख टीवी रही हैं, लेकिन उसकी मन मस्तिष्क में कोई दूसरा सपना चल रहा है और उस सपने को देखकर क्या हो रहा है कि वह मुस्कुरा रही है। जबकि कोई अगर दुखद गीत बज रहा है या दुखद कार्यक्रम चल रहा है तो किसी भी व्यक्ति का यह प्रतिक्रिया होना चाहिए कि वह दुखित होना चाहिए, वह दुखित होना चाहिए, भावनात्मक रूप से क्या होता है उसको दुख प्रकट करना चाहिए। लेकिन वह क्या है कि आंखें तो उसकी टीवी देख रही हैं लेकिन उसका दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, यानी दिमाग कुछ और आपका क्या हो रहा है, सपना देख रहा है। मतलब कि वह वहाँ मौजूद तो है लेकिन उसका जो शरीर क्या है वो टीवी देख रहा है, लेकिन उसका जो मैं है वह क्या हो रहा है कि एक काल्पनिक दुनिया में, उसी काल्पनिक दुनिया को सोच कर क्या हो रहा है कि वह टीवी पर जो दिखाई जाने वाली चीज़ें हैं उस पर प्रतिक्रिया न करके वह क्या हो रही है कि अपने जो स्वप्न की दुनिया है उसके अनुसार क्या हो रही है, प्रतिक्रिया दे रही है। यह चीज किसी के साथ भी हो सकता है कि हम, और जो स्वप्न देखने वाला कार्य होता है वो हम कभी कभी रात में भी करते हैं, जब हमारी आँखें बंद रहती हैं तभी भी हम स्वप्न या सपना क्या हो सकता है देख सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई घटना ऐसी घटी है जो कि हमारे मानसिक पटल पर अगर अंकित हो गई है तो कभी कभी वो घटनाएं क्या होती हैं हमारे उसमें हमारे सपने में भी आती हैं। जो भी कोई घटना चाहे बहुत पहले भी हुई है चाहे हाल फिलहाल भी हुई है और वो हमारे अगर मन मस्तिष्क में क्या हो गई हैं, एकदम घर कर गई हैं, तो वह क्या होती हैं, वह चीज़ें हमें क्या होती हैं ड्रीम के रूप में या सपने के रूप में क्या होती हैं दिखाई देती है, क्योंकि वो हमारे मन मस्तिष्क पे क्या होती है अच्छी तरह से एक अपनी अमिट छाप छोड़ दी रहती है। और उस अमिट छाप की वजह से हमें क्या होते हैं विभिन्न प्रकार के सपने आते हैं। और ये जो हमारे सपने होते हैं वो क्या हो सकते हैं, सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं। अगर हमारे साथ कोई सुखद घटना घटी हुई है तो जो हमारे सपने होते हैं वो क्या होते हैं, सुखद होते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ कोई दुखद घटना घटी है तो क्या होता है कि वह आपके दुखद आते हैं। कभी कभी बच्चे भी या कोई व्यक्ति भी क्या होता है, एक बार नींद से जग जाता है, नींद से जग जाता है तो वो भी कभी कभी क्या होता है सपने के कारण ही होता है कि हाँ वो कैसे जग रहा है या कैसे आपका नहीं जग रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से बात कोई आप टीवी पे कार्यक्रम भी देख रहे हैं तो वह कार्यक्रम न देखकर या कोई हमारा गाना ही सुन रहे हैं तो वह हम गाना न सुनकर हमारे मन मस्तिष्क में कुछ और सपना दिखाई देता है। और जो गाना या जो कार्यक्रम होता है हम उस पर प्रतिक्रिया न देकर हम जो सपनों की दुनिया में रहते हैं उसके अनुसार क्या होता है प्रतिक्रिया देते हैं। पता चलता है कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ही कॉमेडी टीवी पे कॉमेडी सीन ही देख रहे होते हैं लेकिन अगर स्वप्न में उनका कोई दुखी करने वाला चीज़ है तो वो लोग क्या होते हैं भावनात्मक रूप से दुखी हो जाते हैं। जबकि उनको टीवी देखकर क्या होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, लेकिन वो सुखी ना होकर क्या हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। फिर तीसरा पॉइंट आता है, उसमें आता है कल्पना करना। कल्पना करना तो मैं ही वो ऐसा होता है, यानी मस्तिष्क ही ऐसा होता है जिसमें हमारे क्या होता है कल्पना करने की क्या होती है शक्ति होती है इसमें। और कल्पना करने में कहीं से भी हमारे जो शरीर का कोई भी क्या होता है योगदान नहीं होता है। शरीर का क्या होता है कहीं भी हमारा योगदान नहीं होता है। जो मैं जो होता है केवल वही क्या करता है आपका कल्पना करने का जो होता है वह कार्य करता है। कहीं भी हमारा
जो शरीर होता है कल्पना करने के कार्य में कहीं भी वो क्या होता है इन्वॉल्व नहीं होता है। केवल जो मैं होता है वह केवल आपका क्या होता है इन्वॉल्व होता है। जैसे कि क्या है कि ये जो होता है कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपने किसी भी रिलेटिव के साथ क्या होता है कि आपका बुरा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया या बुरा व्यवहार आपका करता है तो क्या होता है, या कोई भी आपका ये करता है, कोई भी आपका चीज़ है वो क्या होता है जो विश्लेषण करने का कार्य भी होता है वो हमारा मस्तिष्क करता है। तो बात करता है कल्पना करने, तो मान लीजिए कोई भी आपका एक छात्र है या कोई भी व्यक्ति है वो बहुत ही आपका क्या है कल्पनाशील, और कल्पनाशील होने की वजह से क्या होता है कि वह किसी का जैसे कोई मूर्तिकार ही है तो मूर्तिकार की कला में या जो भी आप लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं उनको कल्पनाशील होना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर कोई मूर्तिकार है अगर वो कल्पनाशील नहीं रहेगा तो वो मूर्ति गढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी मूर्ति बनाने से पहले वह क्या होता है उसके दिमाग में वह सारी की सारी मूर्ति जो होती है वह सेट होती है और उसी के अनुसार वह क्या करता है कि अपना क्या करता है कि वह अपनी चीज़ों को आगे करता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर लड़का है वह बहुत ही कल्पनाशील है तो किसी भी नए परियोजना के लिए जितने भी आपके टीचर हैं वह उसी के ऊपर क्या करते हैं विश्वास करते हैं और कोई भी उसको अगर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो वो व्यक्ति क्या होता है उसका तुरंत ही डिजाइन क्या करता है बना देता है वो डिजाइन को क्या करता है तुरंत ही बना देता है, क्योंकि क्या होता है कि वह व्यक्ति क्या है बहुत ही कल्पनाशील, मतलब उसको चीज़ें बता दी जाए कि हाँ हमको इस प्रोजेक्ट में या इस परियोजना में ये चीज़ें चाहिए तो वह क्या करता है उसका एक आरेख या उसका एक डिजाइन क्या होता है कागज पर तुरंत ही बना देता है। तो किसी भी चीज़ का डिजाइन बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके अंदर जो कल्पनाशीलता है वह बहुत अधिक होना चाहिए। कल्पना शक्ति के द्वारा क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी अमूर्त चीज़ का भी सपना देख लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पुल ही बनाना है तो इंजीनियर सबसे पहले क्या करते हैं अपनी कल्पना शक्ति से वो एक सोचते हैं कि हाँ पुल ऐसा होना चाहिए, फिर उस कल्पना का क्या होता है आगे विश्लेषण भी होता है। लेकिन कल्पना शक्ति द्वारा ही हम किसी चीज़ के बारे में क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी जो व्यक्ति होता है मान लीजिए किसी को कहा जाए कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो वह कार्यालय में भी बैठा रहता है या घर में भी बैठा रहता है तो वह घर की चीज़ों पर प्रतिक्रिया न देकर क्या होता है कि हमेशा क्या होता है उस डिजाइन की कल्पना के बारे में ही सोचता रहता है वह, क्योंकि वह व्यक्ति स्थूल रूप से तो आपका यानी शारीरिक रूप से तो उस घर में मौजूद है लेकिन वह कल्पना किस चीज़ का कर रहा है, वह कल्पना उस डिजाइन का कर रहा है, इसलिए वह आपकी अन्य चीज़ों पर क्या होता है प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। तो व्यक्तियों के लिए जो कल्पनाशीलता का जो गुण है वो आपका होना चाहिए। कल्पनाशीलता द्वारा भी हम क्या होता है किसी भी चीज़ का क्या होता है उसका डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद मन मस्तिष्क में उसका क्या कर सकते हैं निर्माण भी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या होता है कल्पना शक्ति द्वारा ही होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ें होता है वो होता है आपका विश्लेषण करना। तो विश्लेषण का अर्थ है किसी घटना या बात को अच्छी तरह से जांचना या परखना। तो यह क्रिया भी जो होती है वो मैं के द्वारा ही होती है, क्योंकि यह जो विश्लेषण करने वाला कार्य होता है वह भी आपका मस्तिष्क का ही कार्य होता है। तो मस्तिष्क इसमें क्या होता है पूरी तरह से आपका क्या होता है इन्वॉल्व होता है। विश्लेषण करने में कहीं भी हमारा जो शरीर होता है वह क्या होता है आपका यूज नहीं होता है। विश्लेषण करने का जो टोटल कार्य है वह हमारा क्या होता है वो केवल का केवल हमारा मस्तिष्क ही करता है कि हाँ किस चीज़ का कैसे विश्लेषण करना है या क्या करना है कैसे करना है। यह जो कार्य होता है यह केवल और केवल हमारा मस्तिष्क करता है। विश्लेषण का कार्य हमारा केवल मस्तिष्क करता है। जैसे कि स्कूल घर कार्यालय पे अगर कोई समस्या है तो
मैं ही इसको समझता है कि हमको क्या समस्या है। हमारा शरीर समझ की प्रक्रिया में या विश्लेषण करने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। और जो भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं या कैसी भी हैं, वह क्या होता है, उसको हमारा जो विश्लेषण करने वाला जो कार्य होता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा क्या करता है, वह हमारा मैं ही करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति है, उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और वो क्या हो गया, रोना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो अपनी गतिविधियों के परिणाम यानी अपनी माँ के गुस्से का विश्लेषण किया तो पाया कि वो जो उसकी माँ है उसको उसी तरह से बुरा व्यवहार नहीं की, कहीं ना कहीं जो हमारा व्यवहार भी था वो भी बुरा था। तो मतलब कि बाद में उसने अपने व्यवहार का विश्लेषण किया और माँ के व्यवहार का भी विश्लेषण किया, तो उसमें पाया कि माँ ने हमको बेवजह नहीं डांटा है, हमारे द्वारा ही कुछ ऐसा गलत काम किया गया जिसके वजह से हमको डांट पड़ी और उसी के वजह से जो उसकी माँ थी उसको डांटी। तो मतलब कि घटना तो शरीर के साथ घटती है, लेकिन उस घटना का जो विश्लेषण करने वाला जो कार्य होता है वह हमारा क्या होता है, वह हमारा मस्तिष्क करता है कि हाँ ये घटना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई, मतलब कि उसका सारा विश्लेषण कि यह घटना हमारे साथ अप्रिय घटना चाहे प्रिय घटना कोई भी घटी, यह किस कारण से घटी, मतलब कि कारण का जो विश्लेषण होता है वह हमारा क्या करता है, मन करता है कि हाँ ये चीज़, जैसे कि कोई हमको डांटा चाहे कोई कोई बुरा शब्द ही कह दिया तो हमारा मन मस्तिष्क सोचता है कि इसमें कहीं हमारी गलती है कि नहीं है, अगले ने ऐसा तो नहीं है कि बिना गलती के ही हमको कुछ कह दिया, और अगर हमारा मन विश्लेषण करके ये बता देता है कि नहीं हमारी गलती थी इसके वजह से हमें डांटा गया चाहे बुरा शब्द कहा गया, तो हम अपनी गलती को क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बेवजह डांटा गया तो कभी कभी क्या करते हैं, हम तो या तो चुपचाप सह लेते हैं या उसकी प्रतिक्रिया भी करते हैं। तो मतलब कि कोई भी घटना घटी या कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ उसका जो विश्लेषण करने का जो पूरा कार्य है वह कौन किया, वह हमारा मैं किया। इसमें कहीं भी शरीर आपका क्या होता है, भाग नहीं लेता, कहीं भी शरीर आपका भाग नहीं लेता है। तो जैसे कि मान लीजिए क्या नाम है, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार किया तो हम फिर उस पर अपना दिमाग लगाते हैं या मैं जो होता है वो सोचता है कि यह जो घटना हुई यह किस घटना का परिणाम है या किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई। तो विश्लेषण जो होता है वो मैं ही करता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ है, वह चीज़ है आपका समझना। तो मस्तिष्क द्वारा किसी भी बात या घटना के पक्ष या विपक्ष पर ध्यान देना और फिर परिणाम निकालना, इसी बात को हम क्या कहते हैं, समझना कहते हैं। मतलब कि हमारा मस्तिष्क किसी भी घटना का क्या करता है, उसको क्या करता है, उसके विषय पर ध्यान देता है, उसके विषय के बारे में सोचता है, अब फिर उसके अनुसार क्या होता है, कोई भी एक डिसीजन लेता है या कोई भी एक निर्णय लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समझना कहते हैं। जैसे कि स्कूल, घर, कॉलेज आदि में अगर कोई समस्या है, मतलब कहीं पे भी अगर कोई समस्या है तो सबसे पहले क्या होता है, जो मैं होता है वो उस चीज़ को समझता है कि हाँ ये कोई चीज़ या ये हमारी समस्या है। फिर जो हमारा जो शरीर होता है वह इस समझने की प्रक्रिया में क्या होता है, बिल्कुल भी भाग नहीं लेता, वो इस समझने की प्रक्रिया में क्या करता है, बिल्कुल भी भाग नहीं लेता है, वो उस प्रक्रिया में बिल्कुल भी भाग नहीं लेता है। तो कोई भी अगर चीज़ होती है तो उसके बारे में जो समझने का कार्य होता है वह क्या होता है, हमको ये करता है, हमारा मैं ही करता है, और उसमें जो हमारा शरीर क्या होता है वह भाग नहीं लेता। जैसे कि किसी के घर मान लीजिए किसी ने कहा कि कोई काम वाला व्यक्ति ही है, वह कहा कि हम नहीं आए और आप घर में और लोगों को सूचित नहीं किए, तो क्या होगा, घर वाले लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं,
नाराज भी हो जाते हैं या नहीं, या नाराज हो भी सकते हैं, क्योंकि आपने क्या हुआ, अपने समझ का प्रयोग नहीं किया। अगर आप अपने समझ का प्रयोग किए होते तो और लोगों को पूर्व शुभ में सूचना दे दिए होते तो उस हिसाब से क्या होता, वह व्यवस्था हो जाता। या मान लीजिए क्या बोलते हैं, घर में ही कोई भी स्त्री है वो भोजन बनाने के लिए ही है, तो अगर वो भोजन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री को अपने समझ के अनुसार पहले ही अगर आपको बता दे तो क्या होगा, आपको चीज़ें लाने में क्या होगा, आसानी होगी, आसानी होगी। यानी जो व्यक्ति अगर कोई कार्य करना है उसके पहले ही उसकी व्यवस्था कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, हम समझदार व्यक्ति कहते हैं। और यह जो समझ होती है वह क्या होती है, टोटली यह क्या होते हैं हमारे, किसका होता है, मैं का कार्य होता है। इसमें कहीं भी शरीर जो होता है वह आपका इन्वॉल्व नहीं होता है, यह शरीर जो होता है वह इन्वॉल्व आपका नहीं होता। नेक्स्ट होता है इच्छा करना। तो इच्छा करने का भी कार्य, मतलब किसी भी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर अपनी इच्छा प्रकट करना, मानव का क्या होता है, आपका स्वाभाविक स्वभाव होता है, स्वाभाविक आपका स्वभाव होता है, ठीक। और इच्छा जो होती है वह क्या होती है, इच्छा जो हमारी उत्पन्न होती है वह आपका मस्तिष्क ही होता है, और शरीर क्या होता है, और जो शरीर होता है वह हमारी इच्छा अनुसार क्या करता है, कार्य संपन्न करता है, वह कार्य आपका संपन्न करता है। मतलब कि हम अपने अंदर जो भी अपनी इच्छा करते हैं उस इच्छा का जो पालन करने का जो साधन है वह क्या है, हमारा शरीर है। कि मतलब हमारा मस्तिष्क या मैं ही जो होता है वह क्या होता है, उसके अंदर में इच्छाएं क्या होती हैं, होती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को जो पूरा करने का कार्य होता है वह कौन करता है, वह हमारा आपका शरीर करता है। यानी कि इच्छाओं का जो उद्गम स्थल है वह कौन है, इच्छाओं का जो उद्गम स्थल है वह हमारा क्या है, मन मस्तिष्क है, यानी मैं है। और उनको जो पूरा करने का जो कार्य है वह कौन करता है, वह हमारा शरीर करता है। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को मान लीजिए अगर उसको दोस्तों के साथ जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया था, मान लीजिए कोई भी एक लड़की है उसको जन्मदिन के पार्टी में क्या किया गया, आपका ये किया गया, आमंत्रित किया गया, लेकिन उसके पापा है वो क्या है, लेकिन वह क्या है कि वह यह पाती है कि उसके पापा मना कर देते हैं, और फिर उसके पास क्या है कि यह भी वो देखते हैं कि उसके पास क्या है, अच्छी ड्रेस आपकी नहीं है, तो इस अवसर के लिए वह आपका नई मतलब ड्रेस खरीदना चाहती है कि हाँ उस ड्रेस में हम मतलब उस पार्टी में जाएं तो एक नया वस्त्र पहन के जाएं जिससे कि हमको मान सम्मान मिले और प्रसन्न रह सकते। तो यह जो नया ड्रेस या नया वस्त्र खरीदने की जो इच्छा है वह क्या हुए, मैं से उत्पन्न हुआ, न कि आपके शरीर से उत्पन्न हुआ। मतलब कि नया कपड़ा खरीदने का जो इच्छा हुई है या जो डिजायर हुआ वह क्या हुआ, आपके मन में या आपके मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ, और इसमें शरीर आपका कोई भी योगदान नहीं कर रहा है। और जो पसंद करने का भी जो कार्य होता है वह हमारा मन ही करता है, शरीर तो केवल वो क्या होता है, उसको ढकने का कार्य होता है। तो यह एकदम क्लियर कट है कि जो भी आपकी इच्छा जो होती है, इच्छा जो जागृत होती है, इच्छा हमारी सदैव हमारे मस्तिष्क में ही जागृत होती है, और फिर जो हमारा शरीर होता है वह उन इच्छाओं को पूर्ण करने का क्या करता है, कार्य करता है। यानी शरीर क्या होता है, एक उपकरण के रूप में कार्य करता है, और वह हमारे मैं की इच्छाओं को क्या करता है, पूरा करता है। इस प्रकार सपने सोचना, सपना देखना, कल्पना करना, विश्लेषण करना, समझना, इच्छा करना, यह बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिसमें केवल हमारा मन मैं अथवा मस्तिष्क कार्य करता है। और यह जो गतिविधियां होती हैं यह क्या होती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, यह आपके निरंतर चलती रहती हैं। और हम लोग और शरीर क्या होता है उससे अनजान रहता है। अगर हम उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है तो हम जागरूक होते हैं। और ये सारी गतिविधियां हम देखते हैं कि इसमें किसी प्रकार से भी कोई भी आपके
शरीर का क्या होता है, कोई भी आपका योगदान नहीं होता है। जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर इसमें शरीर का भी योगदान है तो हम क्या होता है कि जब अगर सोए रहते हैं हमारा शरीर बिल्कुल भी कार्य नहीं करता है, तभी भी हम चाहे तो सोच सकते हैं, चाहे सपने देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम बीमार भी हैं तभी भी हम सोच सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं या सपने देख सकते हैं। इस प्रकार यह क्लियर कट है कि कहीं भी इसमें हमारा क्या है कि आपका जो हमारा ये शरीर होता है वह इन प्रक्रियाओं में, सोचने में, इच्छा करने में क्या होता है, कहीं भी आपका भाग नहीं लेता है। कभी कभी तो हम बिल्कुल काफ़ी बीमार होते हैं और अस्पताल में बिस्तर पे भी होते हैं और क्या होता है बिस्तर पे होते हैं और उस समय भी आप देखते हैं कि बहुत अधिक सोचते हैं, जबकि आपका शरीर क्या होता है पूरी तरह से शिथिल होता है, पूरी तरह से शिथिल होता है। और उस समय हम बहुत कल्पना भी करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, क्योंकि क्या होता है कि शारीरिक रूप से जब हम बीमार रहते हैं तो हमारे पास करने को कुछ ज़्यादा नहीं चीज़ें रहती, करने को क्या ज़्यादा कुछ नहीं चीज़ें रहती हैं, तो हम ज़्यादातर क्या होता है सोचते हैं, सपने देखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास करने को कुछ होता नहीं है, तो संक्षेप में अगर कहा जाए तो जो सोचना होता है, सपने देखना होता है, कल्पना करना होता है, ये सब कार्य क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है बिना शरीर को इन्वॉल्व किए या बिना शरीर की सहायता लिए हमेशा क्या होता है करता ही रहता है, हमेशा यह करता ही रहता है। और इसमें हमारे शरीर का क्या होता है कोई भी आपका योगदान नहीं होता है, यह चीज़ें हमारी कंटिन्यू क्या होती हैं चलती ही रहती हैं। और इच्छा तो पूर्ण रूप से हमारे क्या होता है मन मस्तिष्क का देन है, और जो शरीर होता है वह क्या होता है कि वह उसको पूरा करता है। जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए आपके अंदर यह इच्छा जागृत हुई कि हमें लिखना है, फिर आप ये देखते हैं कि आपके पास पेन नहीं है, तो पेन खरीदने की भी जो इच्छा होती है वो भी क्या होती है आपके मन में ही उत्पन्न होती है, इसमें हाथ का कोई योगदान नहीं होता। हाँ, जब पेन और कापी जब मिल जाती है तो हम क्या होता है हाथ की सहायता से क्या करते हैं कि हम लिखने का कार्य जो होता है वह संपादित क्या करते हैं करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के लिए जो इच्छा का जो केंद्र होता है वह क्या होता है हमारा मैं ही होता है, वह इच्छा का केंद्र जो होता है वह मैं ही होता है। और कभी कभी हमारा शरीर सक्रिय नहीं रहता है तभी भी हम क्या होता है कि तभी भी हम सोचने का कार्य और इच्छा करने का कार्य कर देते हैं। तो अगर इन क्रियाओं में अगर हमारा शरीर इन्वॉल्व रहता है तो जब हमारा शरीर क्रियाशील नहीं है तभी भी क्या बोलते हैं इन क्रियाओं को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन यह क्रियाएं क्या होती हैं आपकी बंद नहीं होती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें कि कभी कभी क्या होता है कि थकान की वजह से मान लीजिए हम बिस्तर पर लेटे हुए हैं और काफ़ी देर तक लेटे हुए हैं, तभी भी हम क्या कर सकते हैं अब दिमाग में क्या बोलता है कोई चीज़ें सोच सकते हैं या आपका कर सकते हैं, सोच सकते हैं या कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। तो उसमें कहीं भी हमारा जो शरीर होता है वह क्या होता है इन्वॉल्व आपका नहीं होता, कहीं भी आपका इन्वॉल्व नहीं होता। अगर शरीर क्या बोलते हैं सोचने, समझने और विश्लेषण करने में इन्वॉल्व होता है तो जब हम शरीर की क्रियाएं बंद हो जाती हैं तब ये क्रियाएं भी बंद हो जाने चाहिए, लेकिन यह क्रियाएं क्या होती हैं कहीं भी आपकी बंद नहीं होती। तो यह चीज़ यह बताता है कि इन क्रियाओं के लिए कहीं भी हमारे शरीर की क्या होती है आवश्यकता नहीं होती। यह टोटल की जो क्रिया है वह क्या होता है हमारे मस्तिष्क द्वारा ही की जाती है, मन मस्तिष्क द्वारा ही हमारा क्या होता है की जाती है। तो इस वीडियो को क्या करते हैं कि यहीं पर समाप्त करते हैं, और अच्छा मतलब आशा है कि इस वीडियो द्वारा आपको मैं अथवा मस्तिष्क द्वारा जितनी भी क्रियाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगले वीडियो में हम यह देखेंगे कि मैं और शरीर दोनों द्वारा जो सम्मिलित अभिक्रियाएँ हैं वह कैसे आपकी होती हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे अपना विचार विमर्श करेंगे। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।